ड्रामा परछाई में परी की जिंदगी से एक एक करके सारी मोहब्बतें कम होती जा रही हैं। पहले उसकी अम्मी की दूसरी शादी करके उनको उससे दूर कर दिया गया और अब साद और उसकी कजन शिजा के दरमियान मोहब्बत देखकर वो मजीद तन्हा रह गई है। नेक्स्ट एपिसोड में शिजा परी को बताती है कि मैं और साद सिर्फ कजन्स ही नहीं बल्कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। परी को तो पहले ही इन दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी देखकर ये अंदाजा हो गया था। लेकिन अब शिजा ने उसके अंदाजे पर यकीन की मोहर भी लगा ली। ये सब जानकर परी बहुत डिप्रेस्ड रहने लग जाती है। जब सबा उसे मिलने आती है तो वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। सबा उसकी मिन्नतें करती है कि एक बार तो मुझसे मुस्कुराकर बात कर लो, लेकिन वो उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिस पर सबा रोते हुए वापस चली जाती है। साद के इल्म में जब ये बात आती है तो वो परी को डांटता है और कहता है कि तुम्हें उनकी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती। तो परी दुख से चूर लहजे में जवाब देती है कि क्योंकि मेरी मोहब्बत भी किसी को नजर नहीं आती। डॉक्टर साद वजाहत एक लम्हे के लिए गड़बड़ा जाता है, लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए परी को कहता है कि तुम गलत समझती हो, सब ही तुमसे मोहब्बत करते हैं, बस सबका अंदाज अलग अलग होता है। यानी साद परी की मोहब्बत को सरासर इग्नोर कर रहा है और परी को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब देखना ये है कि क्या सबा आहिस्ता आहिस्ता खावर से परी को अपने साथ रखने की बात मनवा लेगी। क्या साद यूं ही परी की मोहब्बत को नजरअंदाज करता रहेगा या अपना फैसला बदल लेगा। ये जानने के